हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और हम इसकी एक्सरसाइज 11.3 कर रहे थे जिसके दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और आज की क्लास हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोन है, शंकु है, जिसकी ऊंचाई हाइट 15 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। हमें इसके बेस का डायामीटर निकालना है। तो बहुत ही अच्छे और अच्छा इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक कोन है, शंकु है हमारे पास, और इसकी हाइट हमारे पास दे रखी है जो कि है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया है, हमें इसका ये डायामीटर निकालना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो पहले गिवन है वो लिख दो, हाइट जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम आयतन भी हमें दिया हुआ है, ये है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें डायामीटर जिसे हम व्यास बोलते हैं ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम यूज करते हैं अपना फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का। हिंदी में लिखें तो क्या कहते हैं इसको, शंकु का आयतन। तो क्या होता है हमारे कोन का वॉल्यूम, बिल्कुल सही, 1/3 πr² h। तो वॉल्यूम कितना है 1570, 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है 3.14 लो, आर हमें नहीं दे रखा तो ऐसे कैसे, और एच हमारा कितना है 15। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3 1s 3 और 3 5s 15। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को इसके नीचे भेज देते हैं। आर स्क्वायर हो गया 1570 अपॉन में 3.14 इंटू में 5। इस डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर 100 लग जाएगा। अब इसे काट देते हैं तो 5 1s 5, 5 3s 15, 5 1s 5 बच गया, 5 4s 20। 314 से 314 पूरा कट गया, आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा 100। तो हमारे आर की वैल्यू क्या हो गई, 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो हमारा रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डायामीटर ऑफ बेस। तो डायामीटर ऑफ बेस, आधार की त्रिज्या। तो भाई डायामीटर कैसे निकाला जाता है, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2r, मीन्स 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या दे दिया, वॉल्यूम और हाइट हमको दे दी, और कह रहा है कि रेडियस मतलब डायमीटर ऑफ बेस को क्या करना है, निकालना है। नॉर्मल आपने फॉर्मूले यूज किया और उसमें वैल्यू पुट करी, आ गया आपका आंसर। क्लियर है, ईजी है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी हद तक इसी तरीके का ही है, जरा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। हमारे पास कोन है, कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम है 48 πcm³। सेम फाइंड डायामीटर ऑफ बेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जो पहले गिवन है वो लिख लो, हाइट दे दी, ऊंचाई कितनी है हमारी, हाइट, हाइट का वो एच सिंबल लिख दो, हमारी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं आयतन, ये दे रखा है हमारे पास 48 π। तो 48 πcm³। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ कोन,
शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें वॉल्यूम दे ही रखा है तो हमने लिख दिया 48 पाई इज इक्वल टू में 1/3 पाई। आर नहीं दे रखा तो इसको ऐसे रहने दो, और एच दे रखा है कितना है 9, 3 1 3 और 3 3 9, 48 पाई इज इक्वल टू हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 48 पाई अपॉन में 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 3 3 1 3 और 3 6 18, तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा 16। हमारे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 16, मतलब 4 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, हमसे क्या पूछा है डायामीटर ऑफ बेस, तो डायामीटर ऑफ बेस आप क्या बोलोगे इसे हिंदी में, आधार की, आधार का व्यास। तो ये हो गया आपके पास 2r, मीन्स 2 × 4 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो हमारे बेस का जो डायामीटर होगा वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, क्या फ़र्क है, बस अब हमें वॉल्यूम पाई के टर्म्स में दे दिया, तो कोई बात नहीं है, आपने पाई की वैल्यू नहीं रखनी और सिंपली दोनों तरफ से काट के सॉल्व कर देना है। क्लियर, इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे बोल रहा है एक कॉनिकल पिट, मतलब शंक्वाकार गड्ढा है जिसका जो डायामीटर है टॉप का, मतलब हमारे पास ऐसी पिट है और ऊपर का जो व्यास है डायामीटर ये हमें दे रखा है 3.5 मीटर। तो कोई बात नहीं, डायामीटर व्यास है 3.5 मीटर, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे त्रिज्या, ये हो जाएगी 3.5/2 मीटर, रेडियस हो गई। और गहराई, इसकी जो गहराई है, गहराई को हम बोलेंगे हाइट, तो हमारी हाइट जिसे हम बोलेंगे ऊंचाई, ये है 12 मीटर। हमें बताना है इसकी कैपेसिटी, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम आयतन निकालना है किलो लीटर्स में, कितने निकालना है किलो लीटर्स में, तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पिट, गड्ढे का आयतन। तो जो हमारा गड्ढा है वो शंक्वाकार है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे कैसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 3.5/2 इंटू में 3.5/2 इंटू में 12, डेसिमल हटाया नीचे जीरो लगा दिया, ठीक है, इसका भी हटाया तो यहाँ पे जीरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 6 12 और 2 10 20, 2 3 6 और 2 10 20, 3 1 3 और 3 कैंसिल आउट, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10 और 2 से काट दिया 11, क्या बच गया ऊपर, ऊपर हमारे पास 11 × 35/10, ठीक है, ये 11, ये 35 और अपॉन में 10 मीटर क्यूब, सिंपल है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 5 55 का 5 कैरी, 11 3 33 और 5 38/10, जिसे आप लिख सकते हैं 38.5 मीटर क्यूब। मगर हमें जो वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, वो किलो लीटर में निकालनी है, तो आप फॉर्मूला याद रखोगे, क्या होता है फॉर्मूला, देखो जो हमारा 1 मीटर क्यूब होता है इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू में 1000 लीटर, और 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं 1 किलो लीटर, सही है ना, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं 1000, तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के, और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 किलो लीटर के। तो आपने सिंपली
आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38.5 किलो लीटर, और ये हो गई हमारी कैपेसिटी और हमारा सवाल सॉल्व। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल से सवाल था। आज की क्लास हमारी यहीं तक। तो आज की क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को किया। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।